आज हम आपको बिहार बोर्ड का जो बुक है BTBC का, कुछ लोग उसे NCERT का बुक कहते हैं, लेकिन ये NCERT का बुक नहीं बल्कि BTBC का बुक होता है। और इसी बुक का मैं आपको, जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बिहार बोर्ड क्लास 3 मैथ सॉल्यूशन है, चैप्टर 1 है, वास्तविक संख्याएँ, एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन है उन सभी का बहुत ईजी तरीके से मैं सॉल्यूशन कराया हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे थे कि सर आप इसका वीडियो बनाइए, BTC का जो बुक होता है बिहार बोर्ड के लिए जो बुक आता है, वो बुक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उस बुक का आप वीडियो बनाइए। तो आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। आप लोगों को बस इतना करना है कि इस वीडियो को देखना है और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से हमें यहाँ पर इसका HCF निकालना है। पहला नंबर में आप देख रहे हैं, पहला नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा 135 और 225 है यहाँ पर, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दूसरा नंबर 196 और 38,250 है। तीसरा है 867 और 255 है। तीन क्वेश्चन है, इस तीन में से कम एक तो आता ही आता है, अब भले नंबर चेंज कर दे लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं और चलिए आपको बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जैसे कि 135 और 225 है, तो सबसे पहले जो जो काम आप देख रहे हैं ये वाला जो आपको हाईलाइट हो रहा है, इसे हम रफ में कर लेंगे। क्या करेंगे, इसे हम रफ में भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये काम, इसे हम रफ में कर सकते हैं। अभी इस काम को अगर हम रफ में करते हैं तो हमें आसानी मिल जाती है और आसानी से हम इसे कर लेते हैं। 135 को क्या किया, डिवाइड किया 225 से, आप देख रहे हैं तो एक मरतबे कटा है यहाँ पर, और 225 में से 135 घटा दिया 90, फिर 90 से 135 में क्या किया, डिवाइड कर दिया एक मरतबे, 90 का मतलब घटा दिए, 45 बच गया, 45 से 90 दो मरतबे कट गया। जहाँ पर ये कटा यहीं इसका मौसम हो गया। इसी को हमको, ये रफ वाला काम है, ये सारे के सारे काम रफ में है। बस हमें क्या करना है, इसमें 135 और 225 में सबसे पहला लाइन जो लिखना है कि 12 कौन है, तो 225 ग्रेटर देन 135 से लिख देना, जो 12 होगा उसको लिख करके, और इस तरह से करना है। 225 जो होता है वो 135 गुने 1 प्लस में 90, यानी वहाँ से लिखेंगे 135 गुने 1 और प्लस में 90, क्लियर। उसके बाद हमारा सेसफल यहाँ पर क्या हुआ, 90 बराबर नॉट 0, यानी सेसफल जो अभी 0 नहीं है। फिर 135 यहाँ पर है, 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि सेसफल 45 बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर सेसफल होना चाहिए। अगला है 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस में 0, यानी सेसफल 0 के बराबर है, सेसफल शून्य और भाजक 45 है, अतः महत्तम समावर्तक HCF 45 हो गया। बस आप इतना बना करके एग्जाम में आएंगे, इतना अगर आप बना देते तो 2 नंबर आपको रखा हुआ है, 2 नंबर आपके लिए रखा हुआ है। तो बिहार बोर्ड का बुक है, आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे के चैप्टर भी बनाऊंगा। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, ठीक है, बढ़िया से देखिएगा। स्क्रीनशॉट आप यहीं से ले लीजिए, PDF के लिए आप लोग फ़ोन नहीं कीजिएगा क्योंकि PDF हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आप यहीं से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम रोक देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दी गई संख्या 196 और 38,220 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको भारतीय वन के बुक में भी मिलेगा, ठीक है। 38,220 ग्रेटर देन 196, और ये काम हमको 196 38,220 इससे हम भाग कर देंगे, भाग की तरह करेंगे तो 196 से 195 मरतबा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, यानी सेसफल बराबर 0, सेसफल शून्य है और भाजक 196 है, अतः महत्तम समावर्तक HCF बराबर 196 हो गया। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, लिखते हैं स्टेप 1, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये बड़ा है ये छोटा है, उस सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसको व्याख्या कीजिए या ना कीजिए, क्योंकि ऊपर में दे दिया रहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से आपको ये बनाना है, ठीक है, तब तक वो करने की कोई जरूरी ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, दी गई संख्या है 867 है और 225 है। 867 और 225 में हमें करना है 867 और 55 867 बड़ा है 255 से, यहाँ पर आप देख सकते हैं 255 है और 867 है, तो 255 867 तीन मरतबे कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 102, फिर हम 102 का भी काम करेंगे, तो 102 का काम यहाँ पर ना किया हुआ हम कर देते, घबराइए नहीं, तो 102 से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 255 में कर लेंगे, ठीक है। तो 102 से अगर हम 255 में करें तो दो मरतबे कट जाएगा, तो 202 हो जाएगा, ठीक है, 204 हो जाएगा, सॉरी, तो 5 में 4 गया 1
चार में से जीरो गया था, कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी, पाँच में से दो गया तो अभी पाँच में चार गया एक, पाँच में जीरो गया पाँच, इक्यावन, इक्यावन से 102 कितना मरतबे कट जाएगा, दो मरतबे में, तो दो मरतबे यहाँ पर लिख करके काट देंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102, सेसफल यहाँ पर 102 नॉट इक्वल टू जीरो, 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस में 51, सेसफल 51 नॉट इक्वल टू जीरो, 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस जीरो यानी सेसफल नॉट इक्वल टू, सेसफल इक्वल टू जीरो, सेसफल शून्य है और भाजक 51 है, अतः महत्तम समवर्तक एच सी बराबर 51 हो गया। क्या हो जाएगा 51, आप यहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। अगला है क्वेश्चन, दूसरा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू जो है क्यू कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं, इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत कम ही बार पूछा गया हुआ है, लेकिन आपको हम बताएंगे और आपको समझाएंगे बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले हम मानेंगे, माना ए एक विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, ठीक है, और बी एक धन पूर्णांक इस प्रकार है कि बी बराबर 6 है, इतना सर आपको लिख देना है। तब यूक्लिड की विभाजन परिमिका से, यूक्लिड की जो विभाजन परिमिका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस सेसफल होता है, उस अनुसार से लिखेंगे। तो ए बराबर 6q+r यानी कि चूंकि b बराबर 6 है, तब r का मान 6 से कम होना चाहिए, r का मान क्या होगा 6 से कम होना चाहिए, यानी r के संभव मान क्या हो जाएगा 6 से कम यानी 0 से लेकर के 5 तक, 0 1 2 3 4 5, a बराबर क्या हो जाएगा 6q+0, और जब 0 रखेंगे तो 6q+0 मतलब 6 हो जाएगा, अब हम 1 रखेंगे तो 6q+1, 2 रखेंगे तो 6q+2, 3 रखेंगे तो 6q+3, 4 रखेंगे तो 6q+4, 5 रखेंगे 6q+5, चूंकि ए एक विषम संख्या है, ए यहाँ पर क्या है एक विषम संख्या है, अतः ए बराबर 6q+1, 6q+2, 6q+4 नहीं हो सकता, क्योंकि विषम संख्या में क्या होगा 2 4 6 थोड़ी होगा, ये तो सम संख्या है, इसीलिए 2 4 6 वाला को हम क्या करेंगे 2 4 और 0 वाला को यहाँ से हटा देंगे 3 को, क्योंकि ये राशि दो से विभाज है, तब विषम संख्या ए बराबर 6q+1, 6q+3, 6q+5 हो जाएगा, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होगा। देखिए आपको स्क्रीनशॉट मारना, तो एक बार में आप यहाँ से मार सकते हैं, ठीक है, दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से मार सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, फोन वगैरह मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ लाए स्तंभों की अधिकतम संख्या, टुकड़ी के सैनिकों की संख्या 616 है और बैंड के सदस्यों की संख्या 32 का महत्तम समावर्तक होगा, यानी बैंड के जो सदस्यों की संख्या है 32 का क्या होगा महत्तम समावर्तक होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टेप वन में लिखेंगे, यही स्टेप वन, उसमें भी यूक्लिड विभाजन वाला में भी बहुत आदमी करता है, तो 616 और 32 के लिए यूक्लिड की विभाजन परिमिका के प्रयोग करेंगे, प्रयोग से 616 बराबर क्या हो जाएगा, हम उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप उसका भाग करेंगे, यानी भाग करने के लिए जैसे आप 616 32 में क्या करेंगे, 32 से 616 में आप डिवाइड करेंगे और मौसा जिस तरह से निकाला जाता है उस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। तब स्टेप यहाँ पर लिखेंगे 32×19+8 हो जाएगा 616 बराबर, यानी 19 मतलब ये कटेगा और यहाँ पर नीचा सेसफल बचेगा 8, ठीक है, तो 8 जीरो नहीं हो गया। स्टेप टू में 32 और 8 के लिए करेंगे तो 8×4+ सेसफल, यहाँ पर सेसफल क्या हो गया जीरो हो गया, यहाँ पर सेसफल जीरो हो गया, तो सेसफल शून्य और भाजक 8 है, अतः महत्तम समवर्तक 8 हो गया, अतः सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है, अतः सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। तो इसका आप स्टेप बाय स्टेप आप जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मोबाइल में है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक एम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए माना a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि a ग्रेटर देन b और b बराबर 3 है, तब यूक्लिड की विभाजन परिमिका से, तब क्या करेंगे यूक्लिड की विभाजन परिमिका से a बराबर 3b+r जबकि 0 जो है लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3 होगा, तब r के संभव मान क्या होगा कि 3 से छोटा होगा और 0 से लेकर के 2 तक होगा, यानी 3 तक नहीं जाएगा, तो 0 1 2 3 इसका 0 1 2 होगा 3 नहीं होगा। a बराबर क्या हो जाएगा 3b+0, 0 रखेंगे तो 3b+0 और 1 रखेंगे तो 3b+1 और 2 रखेंगे तो 3b+2 हो जाएगा, क्लियर। यानी ए स्क्वायर का मान करेंगे क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, तो ए स्क्वायर बराबर 3b+0 का हल स्क्वायर, तो 3b+1 का स्क्वायर और 3b+2 का स्क्वायर हो जाएगा, तीनों का स्क्वायर हम कर लेंगे। अगला स्टेप में क्या करेंगे, जब हम ए स्क्वायर बराबर 3b+0 मतलब 3b का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9b²
9 को 3 अलग कर देंगे और 3 भी स्क्वायर अलग कर देंगे, क्लियर। उसी तरह से 3b बी प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला के आधार पर आपको बनाना है, क्लियर। इस तरह से बनेगा 3 इंटू 3b स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर करके, और 3 कॉमन लेना इसमें भी, ठीक है। फिर a स्क्वायर में 3b प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन करने के बाद आपको जो है फिर से जो मान आएगा उस सब में से 3 कॉमन कर देना, तो 3 कॉमन करेंगे तो 3 ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, देख रहे हैं प्लस में 1, क्लियर। चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ रही है तो सही, आप नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें। ए स्क्वायर के सभी विस्तारों से स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित होता है और शेषफल शून्य बचता है, शेषफल सबका शून्य बच जाएगा या 1 बचता है, शून्य बचेगा ना तो 1 बचेगा, यानी ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 0 या ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 बचेगा। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ये इसका सिद्ध हो गया, ठीक ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, क्लियर, जल्दी से ले लीजिए, और दूसरे का स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए पाँचवा नंबर, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि सिद्धांत पूर्णांक का घन यानी घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए माना a तथा b दो से धन पूर्णांक है कि a बड़ा होगा b से और b बराबर 9 होगा, तब यूक्लिड की विभाजन परिमिका से a बराबर 9b प्लस r होगा। क्या हो जाएगा, a बराबर 9b प्लस r होगा। तब r का मान 9 से कम होना चाहिए, यानी कि r का मान 9 से कम यानी 0 से लेकर के 8 तक होगा, यानी a बराबर हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो 9b प्लस 0 यानी 9b हो जाएगा, 9b 1 रखेंगे तो 9b प्लस 1, 2 रखेंगे तो 9b प्लस 2, 3 रखेंगे तो 9b प्लस 3, 4 रखेंगे तो इस तरह से हमारा करते करते 8 तक ले आना है, ठीक है। जब a बराबर 9b प्लस 0 हो, ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। अब a क्यू हमको करना है, यानी घन मतलब होता है क्यू यानी कि पावर में 3, और स्क्वायर यानी वर्ग का मतलब होता है पावर में 2, तो 3b प्लस 0 का क्यू करेंगे तो 0 का तो कोई पहले 3b का हो जाएगा 27b क्यू, और इसमें 9 हम कॉमन ले लेंगे तो 3b क्यू हो जाएगा, 9 3b क्यू समीकरण 1। उसी तरह से 9b प्लस 1 का अगर हम रखेंगे a प्लस बी का हल क्यू, अगर आपको नहीं मालूम है तो a प्लस बी का हल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस में बी क्यू होता है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको आपके पास नहीं तो गूगल पर आप सर्च करेंगे तो a प्लस बी का हल क्यू आपको जितना भी सारा चीज़ का फॉर्मूला सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ से हो गया ए क्यू हो जाएगा हमारा, इस तरह से इसका a प्लस बी का हल क्यू करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा ये समीकरण 2 हो जाएगा, 9 इसमें भी कॉमन है। उसके बाद 9b प्लस 2 करेंगे तो इस तरह से इसका भी a प्लस बी का हल क्यू करेंगे, 3b प्लस 2 का हल क्यू करेंगे तो इस तरह से इसका निकल कर आएगा ये वाला स्टेप, ये समीकरण 3 हो गया, यानी समीकरण 1 2 3 इस तरह से कर करके करेंगे, आपको समझ में आएगा, क्योंकि a प्लस बी का हल क्यू अगर आपको नहीं आएगा तो नहीं समझ में आएगा। तब समीकरण 1 2 3 से 9 विभाज है, क्योंकि तीनों में क्या है, 9 इसमें भी कॉमन है, 9 इसमें भी कॉमन है और 9 इसमें भी कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तो ए क्यू बराबर 9m हो गया और ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 हो गया। ए क्यू 9m प्लस 8 लिखा जा सकता है, किसी धन पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है, यहाँ पर देख रहे हैं 8 आ गया, ठीक है, तो इस तरह से होता है, ये सीध हो गया। इस तरह से हम आपको बिहार बोर्ड के जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या का 1.1 हम आपको बढ़िया से बता दिए, बढ़िया से सोल्यूशन करा दिए हैं। बुक ये है, आप देख सकते हैं ये वाला बुक आपके पास होगा, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो 1.2 का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको नीचे कमेंट करना है, यस प्यारा सा कोई भी कमेंट कर दे और यस कमेंट करे, 1.2 लिख दे, और वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें।